इनको काफी ज्यादा कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है, और ये उस बात की उनको कोई उंगली भी नहीं उठा सकते, बिकॉज वो जो कंट्रीज है वो सेकुलर नहीं है। तो इंडिया एज अ सेकुलर कंट्री उसका फर्ज बनता है कि वो पर्टिकुलर कम्युनिटी को, वो अपने आप जो यहाँ पे रह रहे हैं पिछले कई सालों से, और उनको लॉन्ग टर्म वीजा प्रोवाइड कराया जाए। अगर वो ना हो सके तो जो पहले जो जैसे बताया गया अभी 11 साल का ऑप्शन था उसको घटा के 6 साल कर दिया जाए, जिससे कि उन लोगों को यहाँ पे जो और सुविधाएं सब लोग उठा पाते हैं वो उठा पाए, और उनको यहाँ पे एज अ सिटीजन की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हो, वो यहाँ पे हमारे देश के डेवलपमेंट में भी आगे काम कर सके। ठीक, यस सर, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम स्पीकर। जब ये बिल पेश करेगी सरकार अमेंडमेंट का, तो हम लोग चाहेंगे कि सदन इस चीज की तरफ ध्यान अपना रखे कि इस बिल के पेश हो जाने से देश का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, और एज अ वर्ल्ड लीडर जैसे कि हमारे पार्लियामेंट्री मिनिस्टर कह रहे हैं, क्या यही वो चीजें हैं जो हमारा देश कर सकता है उन सप्रेस्ड प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज के लिए, या और भी फोर्सेज हैं यूएन के द्वारा, या और भी चीजें हैं जिसके जरिए वो उनको प्रेशर बना करके उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसको खत्म करें। तो हाउस से मतलब दिस पर्टिकुलर सेशन हैज बीन टाइम कि आप एक दूसरे के लूप होल्स को थोड़ा तो इंट्रोड्यूस कर सके, अगर ऑपोजिशन बता सके गवर्नमेंट को, जस्ट द वे ही डिड इट, कि आप उनको बताते हैं उस पर्टिकुलर बिल में क्या ऐसी चीज मिसिंग है जो दे कैन लुक इनटू, एंड देन गवर्नमेंट कैन गो अहेड एंड टेल द ऑपोजिशन अ लूप होल इनटू देयर सिस्टम। ठीक है, कि हम लोग जो आपको 15 मिनट इन्फॉर्मल टाइम देंगे रिसर्च के लिए, आप उस चीजों में थोड़ा देख सके, पता चला आप यहाँ बैठ के फिर उसके बारे में देख रहे हैं कि हम लोग को उसके ऊपर क्या रिसर्च करनी है। और कुछ विपक्ष के साइड से कुछ और? जी सर, इसमें जिधर ये बिल जो रिलीज हो चुका हाउस में, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, ये बिल हमारे आर्टिकल 14 को वायलेट करता है, तो गवर्नमेंट इस पर क्लियर स्टैंड रखते हैं। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि आप पूरी दुनिया में सिर्फ यही 3 कंट्रीज में और यही 6 कम्युनिटीज वहाँ पर सप्रेस्ड और प्रोसिक्यूटेड है, क्या हमारे सिर्फ तीन ही नेबर्स है, बाकी हमारे 4 हमारे 7 नेबर्स है वहाँ भी माइनॉरिटीज है, उन पर गवर्नमेंट क्या रोक है, इससे होना चाहिए। जिसमें वो कहता है कि हर इंसान को, मैं कह रहा हूँ हर इंसान को, सिटीजन्स की बात नहीं कही गई है, जिसमें फॉरेनर्स भी इंक्लूड होते हैं और हमारे देशवासी भी, जिसमें इक्वालिटी होगी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जब आप 6 कम्युनिटीज की बात कर रहे हैं तो याद रखिए कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया में कई कम्युनिटीज हैं, तो आप सिर्फ अगर 6 कम्युनिटीज के बेसिस पे उनको इलीगल माइग्रेंट के तौर पे अंदर ला रहे हैं तो बाकी कम्युनिटीज के साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, ये आर्टिकल 14 से कंट्रडिक्ट कर रहा है।